सत श्रीकाल सारे, मेरा नाम गगनदीप द वीज़ा ऑफिक तो एक बार फिर हाजिर हुए हैं इस चैनल के थ्रू न्यूजीलैंड के स्टडी वीज़ा से अपडेट्स नू लैके। सो अपडेट्स देने तो पहला मैं चाहवागा जिहड़े भी व्यूअर्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं इस चैनल में सबसक्राइब करन और वध तो वध चैनल में शेयर करन अपने फैमिली अपने फ्रेंड सर्कल्स के विच ताकि वो लोग भी न्यूजीलैंड के हर लेटैसट अपडेट्स के नाल अप टू डेट रहन। सो जिदा कि सारियां दा एक कंसर्न सी कि न्यूजीलैंड दे विच किद्दां आपां जावांगे कदों तक असीं जा सकदे आ, तो वो सारे बच्चों वास्ते अपडेट हैगा कि न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर खोल दिते ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नू लैके। सो हुण अगर जिस भी बच्चे की प्रोफाइल उन्हूं थोड़ा आराम नाल समझ लियो कि केड़ा बच्चा न्यूजीलैंड नू चाहिदा इत्थे। सो जिहड़ा भी बच्चा रीसेंट पास आउट है या अगर उदय ट्वैल्थ उन्हें 2021 भी की है या 2020 भी की है और उस तो बाद गैप जस्टिफिकेशन वैलिड गैप जस्टिफिकेशन हैगा, फंड्स 6 महीने पुराने है, अगर इफ इन केस FD हैगी है या सेविंग विच पैसा पे है, सो वो 6 महीने पुराना होना चाहिए और नाल दे नाल जिहड़ा गैप जस्टिफिकेशन है वो वैलिड होना चाहिए, अकैडमिकली स्ट्रोंग होने चाहिए हो, 5.5 बैंड अगर ओवरऑल 5.5 बैंड है नॉट लैस दैन 5.5 बैंड भी है तुसी ईजली न्यूजीलैंड के वल रुक कर सकते हो। फेबररी इनटेक भी अवेलेबल हैगा उदा और आने वाले जिहड़े अगे दे इनटेक्स होंगे वो जुलाई सितंबर एंड नवंबर इनटेक होएगा, बट यस अज की डेट विच फेबररी इनटेक भी अवेलेबल हैगा। अप्लाई करन दा तरीका की है, न्यूजीलैंड की कहिंदा, कौन तुहाडे फंड, जिहड़ा कि फंडां दा सब तो ज़्यादा कंसर्न हुंदा है इस कंट्री दे विच कि किद्दां फंड शो करने है, कौन तुहाडे फंड शो कर सकता है। सो जिहड़े भी इंडिया तो हैगे ने उहनां दे मदर फादर कोई भी एक जना उहनां दे अकाउंट्स विच आ चीज़ होनी चाहिए है, दादा दादी या तुहाडा ब्रदर सिस्टर या तुहाडे अपने खुद दे अकाउंट विच शो करने वाले फंड्स होने चाहिए नहीं है, वो FDRs है या सेविंग है। अगर FDRs और सेविंग के तौर पर शो कर रहे हो दैन इट्स नीड टू बी 6 मंथ ओल्ड, यानी कि 6 महीने पुराना फंड उन्होंने शो करना है। फंड की अमाउंट कितनी कु होनी चाहिए है जो 6 महीने, वो 1 ईयर की फीस, तुहाडा जिहड़ा है उत्थों दा लिविंग एक्सपेंस प्लस तुहाडा एयरफेयर यानी कि तुहाडा आन जान दा जिहड़ा टिकट दा खर्चा हैगा उन्नू मिला के अप्रोक्सीमेटली मन के चलो तुहाडा जिहड़ा फंड शो करना पएगा 6 महीने पुराना वो अप्रोक्सीमेटली कोई तुहाडा 25 to 28 लाख दे तौर ते शो करना पैंदा है। सो अगर तुहाडे कोल ऐ सारी चीज़ां रेडी ने प्लस तुहाडे इनकम प्रूफ रेडी ने, जिहड़े तुहाडे मदर फादर जो भी काम करते हैं उन्हां दी ITRs वगैरह सारी चीज़ां अगर तुहाडे कोल रेडी है और तुहाडे कोल 5.5 नॉट लैस दैन 5.5 बैंड है ने गैप दी वैलिड जस्टिफिकेशनस हैगियां, यू कैन ईजली गो टू न्यूजीलैंड, यानी कि तुहानू न्यूजीलैंड वेलकम करता है, तुसी आराम नाल न्यूजीलैंड जा सकते हो। ਇਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਯੈਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 90410 90410, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਈਲਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ PG ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਵਗੈਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 6.5 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ।
सो ओ चीज़ वास्ते तुसी साडे लाइव जिहड़ा सैशन असी करने प्रोफाइल डिस्कशन दा एवरीडे एट 4 o'clock, तुसी उदा भी पार्ट बन सकदे हो और डायरेक्टली मेरे तो अपने कंसर्नस नू पुछ सकदे हो, उन्हां दे आंसर्स लै सकदे हो। शाम दे 4 बजे आपां रेगुलर ओ लाइव सैशनस रख रहे हैं, तो तुसी उस चीज़ का भी पार्ट बन के अपने कंसर्न नू चैक कर सकते हो साढ़े तो। बट यस, अगर तुसी ऑनलाइन भी अपनी कोई इंक्वायरी रेस करके अपने असैसमेंट कराना चाहते हो तो तुसी मेरी वैबसाइट पर जा सकते हो thevisaofic.com पर, और उत्थे जाके तुसी ऑनलाइन फॉर्म रेस करके भी डायरेक्ट मेरी एक्सपर्ट टीम के नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मेरी एक्सपर्ट टीम तुहाडे जो भी कंसर्नस ने वो तुहानू डायरेक्टली कॉल करके तुहानू उहनां दे सोल्यूशनस प्रोवाइड करेगी। सो यह सारी चीज़ा से न्यूजीलैंड से लैके एक बहुत टाइम बाद जाके कंट्री खुली है, सो वीज़ास एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई फ्रॉम दिस कंट्री। सो आई एडवाइस हेयर टू एवरी वन दोज वॉन्ट टू स्टडी इन न्यूजीलैंड, बिना डिले किते अपना अप्लाई करो ताकि तुसी भी न्यूजीलैंड का वीज़ा लैन में सिक्योर हो सको। कि अज की डेट में अगर गल करिए न्यूजीलैंड का जो नियर अबाउट सक्सैस रेट चल रहा है वो 99.99% वीज़ास ग्रांटेशन हो रही है, बट कंडीशन यही है जेनुअन डॉक्यूमेंट्स के नाल, जेनुअन फंड्स के नाल और जेनुअन गैप जस्टिफिकेशन के नाल। सो आज वास्ते इन्ना ही, बने रहो इस चैनल से, तुहाडे नाल फिर हाजिर होवांगे न्यूजीलैंड के लेटेस्ट अपडेट्स नूं लैके। टिल द टाइम थैंक यू सो मच।